हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम करने जा रहे हैं ग्रेट टेंथ सीबीएसई का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बाय एन फ्रैंक ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की डायरी में से लिया गया है जिसका नाम है डायरी ऑफ यंग गर्ल या द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये ऑटोबायोग्राफी है एंड फ्रैंक की जो पब्लिश की गई थी सबसे पहले नाइनटीन तो चलिए शुरू करते हैं एन फ्रैंक एक छोटी सी जूश गर्ल है और वो एक डायरी मेंटेन करने का सोचती है हालांकि शुरुआत में उसको बहुत अजीब सा लगता है अनयूजल कि शायद ही कोई इस डायरी को आगे जाकर पढ़े या इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए बट फिर उसको जरूरत महसूस होती है डायरी लिखने की बिकॉज उसको लगता है कि मेरे दिल में बहुत चीजें हैं जो शायद डायरी में लिखकर मुझे बेटर महसूस हो उसे ये भी लगता है कि पेपर के अंदर इंसानों से ज्यादा पेशेंस है क्योंकि वो थॉट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जज नहीं करते थर्टीन ईयर ओल्ड एन की बात की जाए तो उसके पास एक लविंग फैमिली है तीस लोग हैं जिसे वो फ्रेंड्स बोल सकती है प्यार करने वाली आंट्स हैं, एक अच्छी प्लेस है रहने के लिए मतलब एक खुशहाल जिंदगी है बट एक खाली पन है उसकी जिंदगी में कि एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात कर सके उसे कभी कभी लगता है कि शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है कि वो किसी के इतना नजदीक नहीं जा पाई तो इसीलिए वो एक डायरी मेंटेन करती है जिसका नाम वो देती है किटी इस डायरी में वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है और ये जो चैप्टर है ये उसकी डायरी के के कुछ पन्नों में से एक हिस्सा है डायरी वो इसलिए भी रखती है कि वो अपनी दिल की बात जाहिर कर सके किसी तरीके से अगर बात की जाए उसके पेरेंट्स की तो उसको अपने डैड ऑटवन फ्रैंक जो थर्टी सिक्स इयर्स ओल्ड हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं और उन्होंने उसकी मॉम एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक के साथ शादी की थी जब मॉम ट्वेंटी फाइव की थी उसके बाद उसकी सिस्टर मार्गरेट का बर्थ हुआ जर्मनी में इन 1926 ट्वेंटी सिक्स और ट्वेल्थ जून एन फ्रैंक का बर्थ हुआ जब तक वो फोर इयर्स की नहीं हो गई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही थी 1933 में उसके फादर को हॉलैंड इमिग्रेट करना पड़ा मूव करना पड़ा उसकी मॉम उसके डैड के साथ हॉलैंड चली गई इन सप्टेम्बर और वो और उसकी सिस्टर मार्गरेट एकिन जो जर्मनी में एक जगह है वहां चले गए अपने दादी के पास रहने के लिए उसके बाद मार्गरेट को भी हॉलैंड भेज दिया गया दिसंबर में और अगले साल फेबररी में एन भी चली गई उसको वहां पेश किया गया मार्गरेट का बर्थडे गिफ्ट समझ के अगर बात की जाए उसकी स्कूलिंग की तो जब वो हॉलैंड में थी वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल गई थी जो पहला स्कूल था जब वो फर्स्ट फॉर्म में थी उसकी वहां पे हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस जो कि बहुत रोई थी सिक्स फॉर्म में जब वो हुई और उसकी फेयरवेल हुई एन की तो वो बहुत रोई 1941 में एन का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया गया क्योंकि उसकी ग्रैंड इल हो गई बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन होना था और जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई सिर्फ पता है कि वो अपनी दादी को कितना मिस करती थी वो बहुत क्लोज थी अपनी दादी के तो ट्वेंटी जून 1942 को एन फाइनली अपनी डायरी लिखना जब शुरू करती है तो उसमें वो अपनी क्लास की बात अपने स्कूल की बात करती है वो बताती है कि उस दिन उसकी क्लास में बहुत शोर था बच्चे बहुत नर्वस थे क्योंकि उस दिन रिजल्ट आना था वो और उसकी फ्रेंड जी बहुत जोर के हंस रहे थे क्योंकि उसके आसपास जो बॉयज थे वो बेट्स लगा रहे थे कि मैं पास हो जाऊंगा मैं नहीं होऊंगा मैं हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा एंड के अकॉर्डिंग क्वार्टर ऑफ हर क्लास को पास ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ना तो वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं ना ही आंसर्स देते उसको तो ये लगता है कि ये लोग तो डमीज हैं पर फिर वो कहती है कि कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो टीचर्स हैं वो धरती पे सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं उसे अपने और अपनी फ्रेंड के रिजल्ट के बारे में ज्यादा डर नहीं लग रहा था पर एक सब्जेक्ट के लिए वो थोड़ी सी कंसर्न थी वो था मैथमेटिक्स उसका उसके सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था एक्सेप्ट उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग वो बताती है कि वो बहुत टॉकेटिव थी बहुत गप्पे मारती थी तो उसके टीचर हर बार उसे पनिश करने के लिए होमवर्क देते थे तो सबसे पहली बार जब उसे होमवर्क मिला पनिशमेंट के तौर पे वो था एक ऐसे लिखना चैटर बॉक्स पे हालांकि उसे ये टॉपिक बहुत अजीब लगा कि इस पे कोई क्या लिख सकता है पर उसे ये लगा कि किसी को भी ये टॉपिक मिलता तो लोग कुछ भी लिख देते पेजेस भरने के लिए लेकिन मुझे जस्टिफाई करना है कि मैं गप्पे क्यों मारती तो उसने पेजेस लिख डाले ये बात बताने के लिए कि जो गप्पे मारने का ट्रेट है वो आप स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी से अलग नहीं कर सकते खासकर मेरी पर्सनालिटी से मैंने ये ट्रेट इनहेरिट किया है अपनी मम्मी से वो भी बहुत गप्पे मारती हैं। तो ये पढ़कर प्रोफेसर को बहुत हंसी आई और अगली बार जब वो फिर से गप्पे मारती पकड़ी गई सेकंड टॉपिक मिला एन उसने उस पे भी ऐसे लिख डाला। थर्ड टाइम उसको टॉपिक मिला क्वैक क्वैक सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। बॉक्स इस पर उसकी फ्रेंड सैनस ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कुछ पोम लिख देंगे इसके ऊपर But, ने इसके ऊपर एक सेटायर लिखा पोम खुद लिखी तो सेटायर होता है हास्य व्यंग्य उसने बोला कि एक फादर स्वैन थे जिन्होंने तीन बेबी डकलिंग्स को खा डाला क्योंकि वो बहुत क्वैक और बहुत आवाज करते थे तो ये जो प्रोफेसर ने पढ़ा उन्होंने एक अच्छे वे में इसे लिया हंसे वो पूरी क्लास को सुनाया और इनफैक्ट उसके बाद से उन्होंने क्लास में जोक्स क्रैक करने शुरू कर दिए एन को भी गप्पे मारने दी और पनिश भी नहीं किया उसे गप्पे मारने के लिए तो ये थी आज की क्लास आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू बाय